नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे एसआर अशोक नगर चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर एसआर अशोक नगर सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर आपको अशोक नगर से संबंधित सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं करमसी गाँव में हुई घटना को लेकर। यहाँ एक सप्ताह पहले महिला रेंजर मोनिका ठाकुर को कुएं में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद महिला रेंजर की शिकायत के बाद तीन लोगों पर 307 शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। कुछ दिन बाद जब पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए पहुंची तो कई दूसरी चीजें भी सामने आईं। इसको लेकर घटना का एक पहलू सामने ये आया, जब एसडीओपी अशोक नगर हेमंत तिवारी वहां पहुंचे तो गाँव के लोग और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये महिला अधिकारी खुद कुएं में उतरी थी और इसके बाद ही उन्होंने इसका वीडियो बनाया और ये झूठे आरोप कुएं में फेंकने के लगा रही है। हालांकि आज 6 दिन बाद अशोक नगर वन विभाग के डीएफओ, एसडीओ और रेंजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर सफाई देते देते वो खुद ही घिर गए और आखिरी में डीएफओ बिना कुछ कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इसके बाद उन डीएफओ के बाद एसडीओ और रेंजर भी बिना कुछ कहे पत्रकारों को छोड़कर वापस चले गए। इसके बाद पत्रकारों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष भी है कि जिस चीज़ के लिए बुलाया था कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही ढंग से संपादित कर देते। मैं थोड़ी उनके नजदीक थी, वो अचानक ही पता नहीं क्यों उनके मन में क्या आया, वो कुएं में पंप को फेंकने लगे। मैं थोड़े पास थी तो मैं गई, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उसमें से जो एक आरोपी था उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, यानी उसने मुझे धक्का दे दिया। इसके बाद फिर वो पंप भी पटकने लगे थे यानी मेरे ऊपर। फिर मैं तुरंत, स्टाफ भी पास नहीं था, तुरंत दौड़ के उनने फिर उनको रोका और वो लोग भाग गए मौका स्थल से। मैं कुएं में गिर गई थी, फिर स्टाफ ने फिर मुझे बाहर निकाला। खैर, बहरहाल हम लोगों के साथ ये सब चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। मगर मुद्दा ये है कि जनता से जब ये मामला उठने लगा और इसको लेकर वन विभाग पूरी तरह से घिरते ही दिखा, तब जाकर उन्होंने अपनी बात कहने के लिए 6 दिन बाद समय निकाला। इसके पहले मीडिया लगातार इनसे अपनी बात पूछना चाह रही थी, पक्ष रखवाने के लिए प्रयास कर रही थी, मगर वन विभाग का कोई भी अधिकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने नहीं आया। भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आनुषांगिक संगठन है, उसने कुछ सामाजिक संगठन एवं दूसरे दलों के द्वारा जब ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा और लोगों ने ये कहा कि जिस तरह के गांव के लोग और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, अगर उस पर जाँच नहीं की गई तो ये मुद्दा बन सकता है। और मंगौली चुनाव में जब किसानों को लेकर सारी चीज़ें तरह चल रही हैं और ऐसे में ये विरोध के सुर अगर उठने लगे कि इस महिला अधिकारी ने जानबूझकर इस तरह की चीज़ें की हैं और ये मामला झूठा बताया जा रहा है, और जांच में अगर ये सब चीज़ें शामिल होती हैं और शामिल होने के बाद ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये आगे भी एक बड़ा मुद्दा उठ सकता है। बहरहाल वन विभाग ने आज अपनी सफाई रखने की कोशिश तो की, उस कोशिश में मोनिका ठाकुर ने वही सब चीज़ें बताई जो पहले से ही सारी की सारी बातें FIR में लिखी हुई हैं, अलग से वो कोई चीज़ नहीं दिखा पाई। साथ ही मीडिया के द्वारा जब ये पूछा गया कि जब वीडियो बनाया जा रहा था तो क्या कार्रवाई का और वीडियो है, उन्हें फेंकते हुए दिखने का कोई वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वीडियो नहीं था। हालांकि कई चीज़ों में विरोधाभासी भी रहे। सबसे ज़्यादा स्थितियाँ जो देखने की रही वो DFO को लेकर रहे। DFO साहब लगभग सभी सवालों पर के जवाबों पर कहते रहे कि सब जाँच के मुद्दे हैं, जाँच के मुद्दे हैं। हालांकि वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे, मगर उनके प्रयास इस पूरी घटना को उस तरह से नहीं बता पाए जिस तरह से लोग जानना चाह रहे थे। आगामी समय में चूंकि अशोकनगर जिले में चुनाव का माहौल होने वाला है और ये मुद्दा जरूर गरमाएगा। इस दो थोरियों के अलावा एक तीसरा मामला भी बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। एक मुद्दा ये है कि महिला अधिकारी की अगर मानी जाए तो उनको धक्का दिया गया है, उनकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ। दूसरा, जो पीड़ित पक्ष है और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि DFO जो रेंजर महिला है वो खुद उतरी है और उसके बाद वीडियो बनाया है। तो चौकीदार ने उतारने में नहीं। कितने लोग थे? बोलो, मुलक लोग थे सर, और हम तो घूंघट कर रहे थे, चौकीदार की शक्ल नहीं पहचानू साहब, राखिल चौकीदार ने, अगो के चौकीदार ने हाथ पकड़ के उतारी, खूबी तो तिवारी मुझे हैंगी बाकी। चौकीदार ने कहला कि मैडम रोको, कहीं ऐसा नहीं मानेंगे, कहीं पहले कहीं मैं उतार दूँ, बाद में कहीं तुम्हें मैं उतार लूँगा, मैं पानी गहराई देख लेता हूँ कितनी गहराई है अभी। पहले चौकीदार उतार का साहब और हाथ पकड़ के वो कैसे बदलसी पकड़ के मैडम ने फिर बींजी बांधी, फिर रिपोर्ट कर भी गई और हमारे हाथ में ले गई साहब, हमने तो कैसे फुया फुया बारे मोड़ा मोड़ी है, हमने जान पशु सारन में बिलख रहा है, भैंसे बिलख रही है, ढोर बिलख रहा है, बहू की डिलीवरी भाई है, वहाँ के लिए घर डर के जावा तो हम मोड़ा मोड़े ने कहाँ से पालेंगे साहब। बेताने तीसरा जो हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं या जो संभावना बताई जा रही है उसके अनुसार ये पूरा का पूरा मामला
खेत के जो कुआ था उस पर रखे इंजन को लेकर है। वो आरोपी किसान संभवतः उस इंजन को बचाना चाह रहे थे और उसको कुएं में फेंकना चाह रहे थे ताकि वो जब्ती से बच जाए, और ये महिला अधिकारी किसी भी तरह उसको जब्त करना चाह रही थी। और संभावना ये जताई जा रही है कि इसी झूमा झटकी के दौरान गलती से या जानबूझकर उनको कुएं में फेंका गया है। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें और सारी थ्योरियां पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में है, और पुलिस कह रही है कि हम पूरी जांच इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी और ब्राह्मण समाज के द्वारा एक बैठक रखी गई थी जिसमें ग्राम करमसी में कुछ लोगों के खिलाफ 307 का जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और ब्राह्मण समाज के लोग कुछ ही समय में अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और इसके परिणाम से प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारी ये मांग है कि जिस रेंजर ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो झूठा दर्ज है। 7 लोग उनके साथ थे और 2 किसान जिनकी बिल्कुल बुजुर्ग है उनकी बस की नहीं, वो कैसे धक्का दे सकते हैं कुएं के अंदर। बात ये सामने आई कि वहाँ का जो कोटवार है वो भी अपना बयान देने के लिए तैयार है कि मैडम खुद कुएं के अंदर उतरी थी। इस मुद्दे को लेकर और अभी तो जांच की सुनने में आया कि जांच प्रशासन कर रहा है, अगर निष्पक्ष नहीं होती तो ब्राह्मण समाज और कांग्रेस पार्टी दोनों उग्र आंदोलन करेंगे। सर, प्रत्यक्षदर्शी और कुछ महिलाओं का कहना है कि वो मैडम खुद जो है कुएं में उतरी थी, इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये महिलाएं कह रही हैं, उसको विवेचना में देखेंगे कि क्या वस्तु स्थिति थी। कहने को तो ये भी आ रहा है कि फॉरेस्ट जो है टीम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो अगर रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी जाएगी, और जो भी अनुसंधान बनता है बिल्कुल स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब उज्जैन से किसानों को संबोधित कर रहे थे तो अशोकनगर कृषि उपज मंडी में इस कार्यक्रम का लाइव दिखाया जा रहा था। उसी दिन अशोकनगर में किसानों का उग्र प्रदर्शन मंडी में चल रहा था। 2-3 बार किसान बोली न लगने और दूसरे कारणों के कारण उग्र हो चुके थे। ऐसे में कुछ किसानों ने मंडी परिसर में लाइव के दौरान कुर्सियाँ तोड़ी, राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पोस्टर के साथ भी अभद्रता की, उसको फाड़ दिया। इस मुद्दे को लेकर मंडी सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस दर्ज होने के मामले को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। बीजी कांग्रेस ने इसको अब मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक आम सभा की धरना प्रदर्शन किया और उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उनमें से एक व्यक्ति जीवित नहीं है जबकि दूसरा उस गांव में रहता ही नहीं है, और किसानों को प्रताड़ित करने के लिए मंडी प्रशासन ने ये काम किया है जिसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया है वो भी गलत है और वो इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों के हित में इस पूरे मामले को फर्जी माना जाए। इधर कांग्रेस की जो मांग चल रही है कि मामला वापस लिया जाए, हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर और चीजों के साथ साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक चीजों में भी बहुत तेजी से जो है बदलाव आ रहा है। 2-3 जो नामजद लोगों के साथ अज्ञात लोग थे उनमें से भी संभवतः 5 लोगों को ज्ञात किया जा चुका है और शीघ्र ही कुछ नामजद लोग और इस मामले में सामने आ सकते हैं। अभी 22 तारीख को मंडी अशोकनगर में किसानों के द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, उनकी डाक नहीं बोली जा रही थी, तो वो किसानों ने मंडी सचिव से जाकर बात की, भाई 2 दिन से हम पड़े हुए हैं मंडी में और हमारी डाक नहीं बोली जा रही, आप डाक चालू करवाओ। तो उनकी किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, तो उन्होंने शांतिपूर्वक नारेबाजी की और उसके विरोध में उस प्रशासन ने मंडी सचिव द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस द्वारा उनके ऊपर FIR कर दी गई है। 2 किसानों के ऊपर FIR काटी और 25 अज्ञात किसान लिखे हुए उसमें, जबकि 2 किसान जिनके ऊपर FIR की गई है, एक किसान तो आज से 3 साल पहले मर चुका है और एक किसान जो उस गांव में जहां पर लिखा है उन्होंने उस गांव में कभी निवास करता ही नहीं है, उस गांव का है ही नहीं है, उसके विरोध में आज किसान कांग्रेस द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा कि उन किसानों के ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया है वो मुकदमा वापस लिया जाए। चलिए अब आपको एक अच्छी खबर से, अच्छी घटना से और एक अच्छी जो है चीज़ से जो है मुखातिब कराते हैं। अशोकनगर शहर की बिल्कुल सीमा से सटा टकनेरी गांव है। सभी लोग इस गांव को पिछड़े गांव के तौर पर या कई सारी समस्याओं के तौर पर जानते हैं।
शहर की बिल्कुल सीमा से सटे इस गांव में एक नहीं कई सारी परेशानियां हैं और कुछ ऐसे नासूर भी थे जिनके कारण इसकी छवि खराब थी। इस गांव को लेकर ये स्पष्ट धारणा थी कि यहां के सारे मर्द सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, महिलाएं मेहनत मजदूरी करती हैं, किसी तरह घर चलाती हैं। पर अब इन महिलाओं ने अपने मन में कुछ अलग करने की ठानी है और पुरुषों को सुधारने के लिए दोनों ही तरह के मुद्दे या दोनों ही तरह की चीज़ें अपना ली हैं। ये आक्रामक भी हो गई हैं और संगठित भी हो गई हैं। आज कलेक्ट्रेट में कोई आधा सैकड़ा से ज़्यादा टकनेरी गाँव की महिलाएँ आईं और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन से उन्होंने गाँव में शराब बिकवाना बंद कर दिया है और लोगों की शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सुबह से शाम तक जो लोग ताश खेल रहे थे वो ताश भी बंद कर दिया है। महिलाओं के संगठित होने के बाद ये बदलाव तो आए हैं मगर वो चाहती हैं कि ये बदलाव स्थायी तौर पर रहे और गांव में हमेशा के लिए शराबबंदी लागू रहे। इसलिए आज वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिली और अपने प्रस्ताव लेकर उनके पास आई। बहुत परेशान है महिलाएं और ताश बंद करने हैं, चारों पांच के हमको झाड़ो करते हैं जी ताश खेल। पूरे गांव के आदमी पूरी औरतें है ना पूरी घास में तो और हम बंद नहीं करेंगे तो हम दंड धरो जाएगा, पिटाई लगाएंगे आदमी। कौन महिलाएं? महिला करेंगी। तो आप पूरी गांव की महिलाएं एक साथ हैं इस मामले? एक साथ हैं जी पूरी। अच्छा हाँ। तो अब यहाँ क्या मांग लेके आई थी आप कलेक्टर का? यही मांग भी आए हम तो क्या के आदमी हमें परेशान ना करे, आदेश जो आदेश हमें दे। अच्छा ये बताओ जो आप जो शराबबंदी का जो मामला बना रही हैं पूरा गांव मिलके महिलाएं, तो आज भी सब जो लोग हैं वो तैयार हैं आपके साथ में? हमारे गांव में बिकती थी, गांव में बिकती थी तो बंद करा दी। बंद करा दी। तो अब क्या चाह रही हैं आप? अब जो चाह रहे हैं कि ताश भी बंद हो, सुख शांति चाहिए, बाजार को कोई अधिकार ना आए, पिटाई लगाएंगे। मतलब अगर और कोई बाहर से आता है दारू पी के तो बाकी भी पिटाई लगाएंगे, चाहे हमारे मेहमान का आए भी ना आया हम बाय भी बाहर करेंगे। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ये तय किया है कि अगर गांव में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब बेची गई तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने शराब पी तो उस पर भी 1100 रुपये का जुर्माना थोपा जाएगा और ये जुर्माना उन्हें वसूलने की अनुमति दी जाए। इस बात को लेकर आज उन्होंने अपनी मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने एक और फैसला लिया है कि गाँव में अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है वो शराब पी कर नहीं आ सकता, अगर वो शराब पी कर आएगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और अगर वो अभद्रता या उद्दंडता करता है तो उसका स्वागत लाठियों से भी किया जाएगा। इन सभी चीजों को इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो अपनी जिंदगी को नारकीय मानती हैं, सुबह से शाम तक परेशान हैं और उनके घर के लगभग सभी पुरुष शराब और जुए की लत में बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ऐसे में इन महिलाओं की ये पहल न केवल इस गांव को सुधारने के लिए एक बड़ी जो है कार्रवाई हो सकती है बल्कि सामाजिक रूप से भी एक अच्छी पहल है कि नशा मुक्ति और दूसरी जो व्यसन है उनसे मुक्ति के लिए इनके प्रयासों को सराहना की जाए। हम अशोकनगर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद रखेंगे कि महिलाओं ने अपनी तरफ से जो प्रयास किए हैं ज़रा उन पर बात करें, उनको देखें और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि जो मुहिम उन्होंने शुरू की है या जो बीड़ा उठाया है वो कहीं टूट ना जाए। जाते जाते इस खबर में एक चीज़ और बताएंगे, अगर टकनेरी का कोई जाकर मुआयना करे तो वो सारी चीज़ें जिनका दावा जो है प्रशासन और राजनीतिक लोग करते हैं वो खुले तौर पर यहाँ पोल खोलते दिखेंगे। समग्र स्वच्छता अभियान को लेकर जितनी बात की जा रही है अगर उस नमूने के हिसाब से देखें तो गाँव के लोग कहते हैं कि यहाँ एक भी शौचालय नहीं है, सब लोग खुले में जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है मगर आज तक यहाँ एक भी जो है कुटीर नहीं बनी। और भी कई मूलभूत समस्याएं हैं पर इनकी तरफ फिलहाल ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को उम्मीद है कि शराबबंदी और नशा मुक्ति जैसी चीज़ों के बाद संभवतः इस गांव में विकास जैसी चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं। कैमरे तरफ देखना सर, हमारे गांव में इतनी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का कोई आज तक हल नहीं हुआ है, ना ही तो हमारे गांव में एक भी लैट्रिन है, ना ही तो हमारे गांव में जो धर्मशाला के पैसे आए थे, मुक्ति धाम के पैसे आए थे आज से 3 महीने पहले, तो ना तो उनके पैसे डले हैं, ना तो हमारे गांव में धर्मशाला है, यदि कोई व्यक्ति मर भी जाए तो उन्हें कहाँ चलाएंगे हम।
मंजूर हो चुकी है और उसके पैसे भी नहीं जमा है हमारे गांव में। 50 घर ऐसे हैं उसके पास कूपन नहीं है कि किलो आटो ले लेकर खाते हैं साहब। तो ये जो समस्याएं उठा रहे हैं आप लोग, महिलाएं आज कलेक्ट्रेट में आई है, तो आप लोग इसमें किस तरह मदद कर रहे हैं? हम तो पूरी मदद करेंगे, जो दंड दिएंगे वो दंड स्वीकार करेंगे। अभी कोई दारू पीता है ना साहब, उस पर दंड रखा गया है। अभी 15 दिन में किसी ने पी है? नहीं, अभी किसी ने नहीं पी, 15 दिन से किसी ने नहीं पी। शौचालय हमारे गांव में एक भी नहीं है सर। दो किलोमीटर शौचालय नहीं है हमारे गांव में, खड़ंजा भी नहीं है साहब, कुटी भी नहीं बनी है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है उसका लाभ एक किसी को भी नहीं मिला गांव में, आदिवासी बस्ती। अभी सोच के लाने कहां जा रहे हैं? सोच के लाने हम धुरा है, उसमें नदी जाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे के सामने बावड़ी खेड़ा गांव का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इस व्यक्ति का कहना है कि 2 वर्ष से उसकी ज़मीन पर दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं, बार बार उसने ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, कलेक्टर SDM लोकल स्तर पर सभी तरह देने के बाद मुख्यमंत्री और सांसद को भी वह अपनी गुहार लगा चुका है, मगर उसे अपनी भूमि नहीं मिली है। इसलिए वह अपनी जमीन की मांग को लेकर अपने परिवार और मैं 2 बच्चे और पत्नी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गया है और इसकी मांग है कि उसकी ज़मीन उसे दिया जाए। इसका ये भी कहना है कि वह कई वर्षों से इसको लेकर जो है खेती करता रहा है इस पर, और इसकी मांग को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहा है। मेरी खुद की पुश्तैनी जमीन थी पिताजी के ज़माने की, और उनने दूसरे ने दे दी और मुँह आज तक नहीं दे रहा है। मैं CM साहब तक फरिया और इनके पास डेली आ रहा हूँ और मुँह से कह दे तुम प्रधानमंत्री तक चले जाओ, तुम्हारी ज़मीन नहीं दी जाए या दूसरी जगह राजी हो जाओ। अब मेरी पुरानी ज़मीन में कैसे दूसरी जगह राजी हो जाओ? कौन कह रहा है आपको? तहसीलदार साहब कहते हैं कि क्या नाम है तहसीलदार? सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रधानमंत्री का चलो जाओ तो भी नहीं देंगे ज़मीन, तो दूसरी जगह राजी हो जा बना ही मिले। तो पहले कौन के पास थी वो जमीन? पहले 100 साल से मेरे ही पास थी साहब, 100 से 80 से, जो मैं तो 30-35 माने तहसीलदार दबंगों से मिलके तुम्हारी जमीन हथिया है। हाँ, तहसीलदार उनसे मिले जुले हैं, पता नहीं पैसा लाए हैं कि कैसे मिले हैं कि कोई पता नहीं। तो तुम्हारी जमीन दूसरे को दे दी? दूसरे ने दे दी। अब तुम क्या करोगे यहाँ बैठे हो? अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं साहब, जब तक हमें जमीन नहीं ना पेगी जमीन, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक भूख हड़ताल पे यहीं बैठ रहा हूँ मैं परिवार के। मैं परिवार परमिशन मिल गई तुम्हें भूख हड़ताल? जी, मैं कलेक्टर साहब को सूचित। पहले भी कितनी बार आवेदन दे चुके हो आप? पहले 2 साल से डेली दे रहा हूँ। कौन कौन को दे चुके हो? कलेक्टर साहब को, तहसीलदार SDM साहब और अपर कलेक्टर साहब, CM साहब और कमिश्नर साहब ग्वालियर। पहले हड़ताल पे भी बैठ चुके हो आप? पहले हड़ताल पे भी बैठ चुके और देने जहाँ के सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पास दिल्ली का। तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है ना? कोई नहीं सुन रही आज तक, किसी ने नहीं सुन रहा। कहते हैं जांच होगी। सुनो भूख हड़ताल के बारे में अगर तो... हालांकि इसके दावे उस समय खोखले साबित होते देखे जब मौके पर मौजूद तहसीलदार से इस मुद्दे को लेकर मीडिया ने बात की, तो उनका कहना है कि तकरीबन 6 बार से ज़्यादा इस व्यक्ति की ज़मीन को नाप कर दे दिया गया है और जिस जगह इसको शासन ने पट्टा किया है उस जगह की जगह ये किसी दूसरे व्यक्ति के पट्टे में अपनी ज़मीन चाहता है, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भूख हड़ताल जैसी चीज़ों को लेकर भी अभी प्रशासन के द्वारा तय नहीं किया गया कि इसने अनुमति ली है नहीं। बाकी ये बात तय है कि तमाम सारे आवेदनों के बाद इसकी ज़मीन की नप्ती भी की गई है, मगर जिस जगह ये ज़मीन मांग रहा है उस जगह नहीं मिल रही, और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये संभव भी नहीं है कि दूसरे की ज़मीन इसे दे दी जाए। ये इसका पट्टा 2001 में जो पट्टे हुए थे उसमें पट्टे के कब्जे उसी समय दिए गए हैं, और इसकी जिसका जो कब्जा था आज 5-6 साल पहले इसका सीमांकन कराया था, तो दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा था, पट्टेदार ने उसको कब्जा दे दिया। जब मैं आया तो मेरे से भी शिकायत हुई, तो मैंने भी इसके द्वारा सीमांकन कराया, तो जिसका इस पर जहाँ कब्जा है उसका वो सही है, और जो दूसरी ज़मीन मांग रहा है वो उसके है ही नहीं। अब दूसरे की ज़मीन को ये खुद चाहता है कि मुझे दे दी जाए, उसको नहीं मिल सकती, जिसकी जो पट्टे की ज़मीन उसको दी गई है। उसका कहना है कि ये मेरी पैतृक ज़मीन है और सालों से मेरे पिताजी के समय से हम उस पर ही खेती करते चले आ रहे हैं। पट्टे जो 2001-2002 में हुए हैं पट्टे, उसका तो पट्टे होंगे नहीं, और उसको जहाँ पट्टे दिए गए जिनको वहाँ पर सबको कब्जे दिए गए, अब जो दूसरे के पट्टे की ज़मीन कब्जा मांग रहा है जो संभव ही नहीं है। तेरा आज वो परिवार भूख हड़ताल बैठा है कलेक्टर परिसर में, क्या उसका झूठा है आरोप? नहीं, पूरा झूठा है। इसके पट्टे इसके कब्जे करीबन आज से 6 साल से लगातार हर साल कराता है ये। प्रशासन ने भूख हड़ताल किया उस तरह की परमिशन इसको दी है क्या? नहीं, अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है।
किंतु उसके सीमांकन हर साल होते हैं, हर साल शिकायत करता है और हर साल इसका सीमांकन कराते हैं। हमने जब मैं आया तो मैंने भी इसका देखा तो हर बार इसका सीमांकन होता है और जहाँ जब इसका कब्जा है उतना ही इसको मिलती है। अब जो दूसरे जो कब्जा की है उसकी जमीन चाहता है कि मुझे दे दीजिए, संभव नहीं है। किसकी जमीन पर कब्जा चाहता है? ये दूसरा पट्टेदार है उसकी जमीन के लिए। नगर पालिका परिषद में आज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने हितग्राही मूलक योजनाओं की चेक एवं सहायता राशि लोगों के खाते में वितरित की या उन्हें सौंपे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें हितग्राहियों को शासन के द्वारा लाभ दिया जाता है। आज ऐसी ही 3 योजनाओं के चेक या प्रमाण पत्र लोगों को वितरित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती साहू ने बताया कि आज केस शिल्पियों के लिए सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा अंत्येष्टि के लिए भी नगर पालिका ने अब लोगों को सहायता राशि शुरू की है। इसके अलावा नगर पालिका ने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है जो अनुदान के तौर पर रहेगी या लोन के रूप में होगी। ऐसे विद्यार्थियों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। नगर पालिका हितग्राहियों को समय समय पर हर तरह की सहायता करती है। इसी के क्रम में आज नगर पालिका ने प्रसुद्ध सहायता के 8 हितग्राहियों को चेक वितरित किए। ये हमारे केस शिल्पी के तहत दिए गए जिसमें हमने 12,485 रुपये की सहायता की राशि से हमने 8 लोगों को आज इसके लिए हमने चेक वितरित किए। साथ ही साथ इसमें हमने पिछले समय से अंत्येष्टि सहायता के लिए भी चेक बनाया। इसमें हमारे पास 3 केस आए थे, 2,000 प्रति व्यक्ति की राशि से 6,000 रुपये के चेक हमने उनको अंत्येष्टि सहायता के लिए भी वितरित किए। जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति जिनकी खराब होती है और वो ऐसा अंत्येष्टि में पैसा खर्च करने में असमर्थ रहता है, ऐसे व्यक्तियों का हमारे नगर पालिका ने अभी पिछली बार से नया नियम निकाला। इसके अलावा हमने छात्रों के लिए तकरीबन 60 लाख रुपये की छात्रवृत्ति की राशि हमने विभिन्न बैंकों में जमा किया। ये राशि कक्षा 1 से लेकर BA/MA तक के जो छात्र हैं उनको दी गई है नगर पालिका में। इस तरह से आज हमने जो राशि बैंकों को भेजी है वो तकरीबन 63 लाख से ऊपर की राशि थी। और इसी तरह हम जो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। मुंगावली विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां अपने पूरे जोशो खरोश के साथ जुटी हुई हैं। ऐसे में कई सारी चीज़ें आरोप और प्रत्यारोप के तौर पर भी सामने आ रही हैं, साथ ही कई सारी ऐसी दूसरी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो चुनाव के एन मौके पर सामने आई हैं। अभी तक अशोकनगर जिले को लेकर BJP पर जो है एक आरोप है कि वो हमेशा से इस जिले को लेकर सौतेला व्यवहार करते रहे हैं। अशोकनगर के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार मुख्यमंत्री को अशोकनगर आने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। और भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस के हमेशा निशाने पर BJP के नेता और सरकार रही है। अब चूंकि मुंगावली में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर सरकार ने या BJP ने प्रभात झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं और उपचुनाव की ओर एक विशेषज्ञ अरविंद भदौरिया को यहां नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा कोई 4 मंत्रियों को भी यहां की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष तौर पर सौंप दी है। कांग्रेस ने शुरू से इस चीज़ को लेकर एक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है कि जिस अशोकनगर जिले के प्रति BJP हमेशा से सौतेलापन अपनाती रही थी, आखिर इतनी अचानक मेहरबान क्यों होती रह जा रही है? जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, तमाम सारी उपयोग योजनाओं का बखान किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ अब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, वो भी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। चंदेरी के सामाजिक कार्यकर्ता योगेश मिश्रा ने प्रभात झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हाल ही में दिए गए उनके बयान को लेकर कुछ सवाल उनसे किए हैं। चूँकि प्रभात झा मुद्दा बनाती हैं विकास को लेकर और उसी विकास को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि अशोकनगर जिले के मुंगावली और चंदेरी इलाके में जो अधूरी योजनाएं हैं उनको पूरा कैसे कर पाएंगे, साथ ही कुछ ज़रूरतें हैं जिनको वो लगातार मांग कर रहे हैं या हमेशा से जिनकी ज़रूरत या आवश्यकता बनी रही, क्या वो भी पूरी हो सकती हैं? क्योंकि प्रभात झा चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस विकास के मुद्दे को लेकर उनके सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर न केवल कांग्रेस
मांग रही है, सामाजिक कार्यकर्ता या दूसरे लोग मांग रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के उठाए इन प्रश्नों को लेकर जनता के बीच में भी बीजेपी को जाना पड़ेगा। बहरहाल योगेश मिश्रा के 8-10 सवाल हैं, जरा सुन लीजिए कि वो किस तरह की मांग इनसे कर रहे हैं। डॉक्टर योगेश मिश्रा, चंदेरी से आपसे बात कर रहा हूँ, और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के जो प्रभात झा जी हैं, उन्होंने कल ये अपना बयान दिया है कि हम विकास कर रहे हैं, हम ही कर सकते हैं। तो उस पर मेरा उनसे निवेदन है, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और उनको भी एक पत्र भेजा है, खुला पत्र जारी किया है, और उसमें मैंने ये मांग की है कि माननीय आप हमारे क्षेत्र में जो विकास के मुद्दे और जो चीज़ें सरकारी व्यवस्थाओं में पड़ी रुकी पड़ी हैं उनका आप लागू यहाँ पर करवा दें। मैंने प्रभात झा जी को पत्र में लिखा है कि मंगावली कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित तो कर दिया लेकिन किसी की पदस्थापना नहीं की। चंदेरी कॉलेज भी वो देख रहे थे, परंतु दोनों ही कॉलेजों में प्रोफेसरों का अभाव है, जिसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई राज्य शासन द्वारा नहीं की गई है। तो मेरा प्रभात जी से निवेदन है कि आपकी सरकार है, आप इस पर निर्देश जारी कर इस पर कार्रवाई करवा दीजिएगा। चिकित्सकों का भी अभाव है चंदेरी मंगावली में, और यदि देखा जाए तो 14 वर्ष से जो राज्य शासन यहाँ पर कार्यरत है मध्य प्रदेश में, तो अशोकनगर जिले की स्थिति विकास के में बहुत पिछड़ी हुई है। मेरा प्रभात झा जी से यह भी निवेदन है कि राजघाट बांध की से लगी जो परियोजना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ की लागू तो की है, जिसमें कि सिंचाई होगी मंगावली क्षेत्र में 85 गांवों में, परंतु यहाँ मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि राजघाट बांध का लोकार्पण आज के दिनांक तक नहीं हुआ है। राज्य शासन अभी तक इसका अभिमत केंद्र सरकार और बेदबा रिवर बोर्ड को नहीं भेज पाई है। मैंने माननीय प्रभात झा जी से अपने पत्र में निवेदन किया है कि आप उस पर कार्रवाई करा के राजघाट बांध का लोकार्पण करा दीजिएगा। दूसरा, मैंने केंद्र सरकार के अधीन जो कार्रवाई हुए उस पर रेल लाइन के बारे में भी निवेदन किया है कि द्रोल बजट भाषण 2012 से रेल लाइन अभी तक बजट आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य इसका शुरू नहीं हो पा रहा, और तो उस पर भी मैंने प्रभात झा जी से निवेदन किया है कि आप इस पर कार्रवाई करा दीजिएगा। पर्यटन विकास के लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपकी मल्टी एक्सल सुपर लग्जरी जो वॉल्वो बसेस हैं पर्यटन विकास निगम की, वो वहाँ पे चालू करवा दीजिए। तो ये विकास के मुद्दे पे जो वो बार बार ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे, उस पर मैंने उनसे निवेदन किया है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य शासन के हैं, जो 7 दिवस में माननीय प्रभात झा जी करा सकते हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश जारी करेंगे, माननीय मंत्री जी को निर्देश जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि विदिन 7 डेज ये सारी कार्रवाई राज्य शासन स्तर की तो पूरी हो ही सकती हैं। जैसे चिकित्सकों की पदस्थापना हो, प्रोफेसरों की पदस्थापना है, प्रिंसिपल मंगावली का स्थायी प्राचार्य, चंदेरी में स्थायी प्राचार्य नहीं है उनकी पदस्थापना है, वॉल्वो बसेस का चलाना है। तो मेरा प्रभात झा जी से ही निवेदन है कि आप कम से कम राज्य शासन को निर्देश जारी करें कि प्रोफेसरों की पदस्थापना हो जाए, वॉल्वो बसेस चलें, चिकित्सकों का यहाँ पर पदस्थापना हो, और विकास में चाहे राजघाट बांध का लोकार्पण हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए, और रेल लाइन पर बजट आवंटन हो पाए। मेरी प्रभात झा जी से यही रिक्वेस्ट है, ऐसा ही पत्र मैंने जारी किया है। आज जारी पत्र पर मैं उम्मीद करता हूँ प्रभात झा जी इस पर तुरंत एक्शन कर इन सब मांगों की पूर्ति अवश्य करेंगे। धन्यवाद।